हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में लीस बोर्ड बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग को लीस बोर्ड दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स लीस बोर्ड है और यहाँ से इसकी दूरी डी है, तो डी बराबर हम 20 mm लिए हैं। और यहाँ से 4D और 4D ये है, तो 4D आया है 80 mm। और ये यहाँ से यहाँ तक 0.5D है, 0.5D बोले 10। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींच लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद ऊपर का जो ये हेक्सागोनल नट है इसको बनाएंगे। तो हेक्सागोनल नट हम फ्रेंड्स पिछली वीडियो में बना चुके हैं नट वाले टॉपिक पर। तो ये जो हेक्सागोनल नट है तो इसको हम ड्रा कर रहे हैं। तो नीचे का हिस्सा 2D होता है, तो 2D पर 2D 40 होता है, तो 40 पर एक इस तरह लाइन खींच लें फ्रेंड्स। उसके बाद नट की हाइट जितनी डी होती उतनी होती है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग नट पढ़कर ही फाउंडेशन बोल्ट पढ़िएगा। इसको इस तरह हल्की लाइन से मिला देंगे। उसके बाद 10 mm इधर सेंटर लाइन से, 10 mm इधर सेंटर लाइन से पॉइंट लगाकर इसको इस तरह मिला देंगे। और हम फ्रेंड्स इसको फ्री हैंड इस तरह बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग नट वाला वीडियो देखकर किस तरह बनता है देख लीजिए फ्रेंड्स। ये हम इसको बना दें फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ऊपर करके फ्रेंड्स दिखा देते हैं कि ये बोल्ट है। ये फ्रेंड्स बोल्ट है, इसको इसमें एक वाशर है। वाशर की लेंथ है 2D+3, तो 2D हमारा 40, 40 प्लस 3 इक्वल टू 43। और उसका थिकनेस है T=0.2D, तो 0.2D का मान होगा 4 mm। चलिए फ्रेंड्स, पहले उसका लेंथ तो 22 इधर और 22 इधर एक लाइन खींच देते हैं। पहले इसी पे फ्रेंड्स कर दिए। अब हम इसका थिकनेस है 4 mm, तो 4 mm नीचे आएंगे इधर से, 4 mm इधर से। इसको अब फ्रेंड्स इस तरह मिला देंगे, इसको मिला दिए फ्रेंड्स। इसको मिलाने के बाद 20 mm इधर आगे जाते हैं और इधर से 20 mm यहाँ तक। यहाँ से इसकी इस वाले हिस्से को बनाने के लिए यहाँ से इसकी लेंथ 4D है, तो 4D 80 है। तो यहाँ पे इस तरह 80 पे पॉइंट लगाकर एक 10 mm इधर, 10 mm इधर करके एक लाइन खींच लेंगे और इसको हम फिर इस तरह मिला देंगे फ्रेंड्स। इसको मिलाने के बाद इसको नीचे ले जाएंगे, इससे नीचे लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से 10 mm ऊपर जाकर, 10 mm ऊपर जाकर इसको इस तरह क्लोज कर देंगे, इस तरह कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद इसको हम फ्रेंड्स हैचिंग कर देंगे जिस तरह फिगर में है। फ्रेंड्स हम इसको हैचिंग कर देंगे। आप फ्रेंड्स इस तरह भी कर सकते हैं, और जो ये इस तरह बना है इसको भी आप इसी तरह बना सकते हैं। हम इस तरह बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह भी बना सकते हैं, इसको यहाँ तक ला के थोड़ा सा
इसको इस तरह बना दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स इसके आगे का काम करते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से 4D है, यहाँ से 4D, तो 4D हमारा 80 पर पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट लगा लें फ्रेंड्स, और यहाँ से इसकी दूरी ये 1.5D, तो 1.5D 30 है, तो यहाँ से ये 30 खिंचाएगा फ्रेंड्स। 30 में फ्रेंड्स यहाँ से 20 mm इधर और 10 mm इधर एक इस तरह लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच लें फ्रेंड्स, और इसको हम इस तरह जॉइंट कर देंगे। इसको इस तरह मिला देते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये 5D है, और ये इसकी लेंथ यहाँ से 10 mm छोड़कर, ऊपर से नीचे से 10 mm छोड़कर फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट लगा लिए 10 mm छोड़कर। अब फ्रेंड्स यहाँ से 10 mm पर एक इस तरह लाइन खींचेंगे, और यहाँ से 20 mm पर एक लाइन खींच देते हैं फ्रेंड्स। इस तरह इसको लाइन खींच के यहाँ पे इसको मिला देते हैं फ्रेंड्स, और ये नीचे मिल जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह इस पर अब हम डायमेंशन इसका प्रदर्शित कर देते हैं फ्रेंड्स। जीरो पॉइंट फाइव डी, और फ्रेंड्स इसको हम इस तरह टॉर्च कर देते हैं। ये क्लोज कर दें और इसमें इस तरह बना देंगे फ्रेंड्स। ये हमारा कंक्रीट होता है, क्योंकि इसको ज़मीन के अंदर हम लगाते हैं, और इसके ऊपर ये जो मशीन, ये मशीन वाला हिस्सा है, मशीन का बेस इसमें लगाकर कस दिया जाता है। इस तरह कर देंगे फ्रेंड्स, और ये इसके साइड वाला हिस्से को हम इस तरह भी किसी किसी में किया रहता है फ्रेंड्स। आप इस तरह भी करके बना सकते हैं, हम इसको इस तरह बनाएं फ्रेंड्स। इसके यहाँ से फ्रेंड्स इस तरह इसको बना लेंगे। ये 4D है, ये भी हमारा 4D है, ये हमारा फ्रेंड्स लुईस बोल्ट तैयार हो गया। लुईस बोल्ट फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको हम ज़रूर बताएंगे आपको।